रोनन के बर्थडे की तैयारी शुरू है जी। वेरोनिका के नेल्स होना चालू हो चुके हैं। उसी दिन आधे घंटे में जो तैयार होंगे बढ़िया सेट दिखेंगे। आधा घंटा लगता है मेरे को, ये ऐसी कहती है यार। एनीवेज हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है बर्थडे अपडेट से लेकर हर चीज, क्योंकि आज है 2 तारीख और बर्थडे बहुत पास है, परसों है बर्थडे। इसीलिए अब ये सारे व्लॉग में आपको रोनन के बर्थडे की अपडेट मिलेगी। होपफुली एक पार्ट में आएगा या 2 पार्ट में आएगा, जैसे भी आएगा व्लॉग डाल देंगे, तो एंड तक जरूर देखना। दादी आप भी नेल्स करवा लो रोनन के बर्थडे के लिए। करवाने हैं नेल्स? नहीं। करवा लो क्या है, थोड़े से हैं? नेल पेंट लगवा लो, नेल पॉलिश। नहीं क्या है, क्यों नहीं फायदा, कौन सी उतरती है, लगवा लो उस दिन इसको, ऊपर से दूसरा कलर लगवा लेना। अरे नहीं नहीं लगवा लो अभी। और आपका सूट वगैरह है, हो गया डन? सब कुछ है। वो क्या पहन रहे हो आप, दिखाओ। जिस दिन पहनेंगे तो गाइस दादी का आउटफिट भी देखना जरूर। दादी भी अपना आउटफिट दिखाएंगी जिस दिन पहनेंगे। फाइनली दादी को भी कन्विंस कर लिया है कलर लगवाने के लिए। दादी मना कर रही थी, मैंने कहा क्यों दादी, रोनन का बर्थडे है, कुछ तो आप अलग करो ना, जो आप किसी फंक्शन पे नहीं करते। पर पोते का बर्थडे है दादी के, तो दादी नेल एक्सटेंशन नहीं करवा रही, मगर नेल पॉलिश नेल पेंट लगवा रही है इनका। क्या हो गया बेबी? ये हो गया, ये देख चार्जर खराब हो गया यार पूरा। अभी अच्छी खासी वीडियो बम 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 डोले करते करते ही पूरा पीछे यहाँ चार्जर लगा हुआ था। दिखा, क्या दिखाऊं? दिखा मेरे को फोन, 2 मिनट में यहाँ दिखाऊं ना चार्जर कहाँ लगा हुआ था। ये देखो यार, मेरे पास एक ही वायर थी और क्या हाल हो गया। एक्चुअली यहाँ लगाया हुआ था हमने चार्जर, तो मैं रोनन के साथ खेल रहा था, मैं यहाँ बैठा इसके ऊपर, तो यहाँ बैक लगी मेरी, तो ये पीछे हुआ, पीछे हुआ तो एकदम से चार्जर पे अटका, सॉकेट पे, और चार्जर टूट गया यार। आई एम सो सैड यार, शिट। अब मेरे को कल जाके लेके आनी पड़ेगी वायर, बिकॉज फोन भी चार्ज नहीं है, लैपटॉप भी इससे चार्ज होता है। शिट यार, दैट्स वेरी बैड। और ये ओरिजिनल वायर थी पता है, नहीं जल्दी चार्ज करता था ये फोन। ओरिजिनल महंगी आएगी यार। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी? क्या कहना चाहूंगा यार, आज 2 अक्टूबर है, ऊपर से यार मेरे चार्जर की तार का वो सीन हो गया है, अब निकले हैं चार तार लेने, पता नहीं क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा तो फोन ही बंद हो जाएगा यार। और बिना फोन के तो ऐसे लगता है जैसे आप हैंडीकैप्ड हो गए हो। बेचारा कल फोन भी नहीं देख पाया था रात को अपना। मैं वो एयरप्लेन मोड पे कर करके फोन चला रहा हूँ। मुझे बड़ी हंसी आ रही है लेकिन ये बात जान के कि आपका फोन की वायर, और पता मुझे क्या कह रहा है बताओ जरा, क्या कह रहे थे घर पे, इसकी फोन की वायर खराब होनी चाहिए थी। हाँ, ये क्योंकि बैटरी में बैटरी है, चार्जिंग रखती नहीं है फोन पे, और जो बंदा बेचारा पूरी चार्जिंग रखता है उसका ही फोन खराब होना था। तो भगवान कहता है कि तू तो चल चार्जिंग रख ही लेता है, तो मैं तेरे को दिखाऊं बिना चार्जिंग के जीना कैसा होता है, इसको तो आदत है। मेरा तो मम्मी के घर जाके फोन ही स्विच ऑफ हो गया था यार। मगर तो यार ये अच्छी चीज नहीं है, या तो अब हमें पोर्टेबल चार्जर कोई लेना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि एक बार हमारे साथ क्या हो गया था, हम यहाँ गुड़गांव से आ रहे थे विद इन गुड़गांव ओनली, बट मैप में क्या है, मैप्स ने छोटा रास्ता के चक्कर में वो गांव में ले गया अंदर कहीं, तो भाई तो हम दोनों के फोन में चार्जिंग नहीं। उस दिन से हमने सीख ले ली थी, जब तक अनलेस एंड अंटिल हमारे पास कोई पोर्टेबल चार्जर है या कुछ है। ये देखो, ये दूसरों के सामान पे जो नजर रखते हैं ना, ये वाली लेडीज हैं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं पार्किंग लगाने के लिए। अंकल चिप्स भी लिए, बेसन भी लिए ना, वही वाला जो हम लेते हैं। और ये उनके सामान देख रही हैं जो वो लोड कर रहे हैं गाड़ी में है? अब वो लोड करेंगे, निकलेंगे गाड़ी तब हम लगाएंगे, क्योंकि कल माता रानी के फास्ट शुरू है ना। ले लिया हमने वायर, वहाँ वेरोनिका ले रही है, हो गया नुकसान सुबह सुबह। खरीद लिया है जी हमने इनकी वायर। ओ हाँ, ये वाली वायर भी भैया वापस रख दो अंदर। और ये भाई साहब अपना फोन चार्ज करते हुए। कैसा लग रहा है फिर आज? आगे से ध्यान रखना, आईफोन 15 तो देख लो, 16 प्रो मैक्स देखा आपने? चेक तो करो, पतला भी है ये फोन है ना। The next day. हैप्पी नवरात्रि गाइज एंड गुड मॉर्निंग। और रोनन सुबह सबसे पहले उठ गया है। राम राम जी, राम राम, राम राम रोनन, राम राम, जय माता दी, जय माता दी। आज फर्स्ट नवरात्रा है रोनन, टुडे इज फर्स्ट नवरात्रा एंड टुमारो इज योर बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल रोनन का बर्थडे है तो रोनन अपना फेशियल करा रहा है पापा से। अरे कितने मजे ले रहा है यार, मजा आया फेशियल में। हाउ वाज द सर्विसेज सर? आज मेरे को अपना भी करना है,
और दादी का भी करना है, लक्ष्य तो अपना खुद कर लेगा। रोनन और रोनन की मम्मी रेडी तो हो गई है आज सुबह सुबह फॉर अ चेंज, बिकॉज वेरोनिका फास्ट रख रही है, इतना सुबह सुबह रेडी होती नहीं है, तो इसलिए फॉर अ चेंज। तो आज देखो जी सुबह सुबह रेडी हो गई है सूट एंड ऑल डाल के, वाह क्या बात है। तो भाई बेटे का बर्थडे है तो पापा तो सबसे बेस्ट दिखने चाहिए ना, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सलोन थोड़ा बहुत अपना फेशियल एंड शेव एंड ऑल कराने। एंड मैंने कहा यार थोड़ा सा अपना चेहरा सुधार ले, कपड़े वगैरह ऑल डन, रोनन के भी मेरे भी, बस अब इंतजार है कल का। आज हम रात को केक कटिंग करेंगे रोनन के बर्थडे की, उसके बाद जो कल हम माता की चौकी कर रहे हैं वो आपको दिख जाएगा आगे, बिकॉज व्लॉग तो आएंगे रोनन के बर्थडे के बाद ही, सो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज एनी मोर। तो मैंने कहा मैं आपको बता ही दूं कि व्हाट आर आवर प्लान्स एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, होपफुली माता रानी सब चीज़ें अच्छे से करा दें यार एंड सब चीज़ अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करी है यार हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ से लेकर एवरीथिंग मैनेज करना, चीज़ करना, इट्स नॉट ईजी, बट थैंकफुली गॉड इज़ काइंड एंड वेरोनिका और मैंने दोनों ने बहुत चीज़ें बहुत टाइमली अच्छे से कर ली एंड वी आर जस्ट थैंकफुल टू द गॉड फॉर एवरीथिंग। तो रोनन ट्राई कर रहा है, अभी तो दादी खोल रही है आउटफिट, मैं दिखा नहीं रहा, अभी रोनन ट्राई कर रहा है अपना आउटफिट का ट्रायल दे रहा है रोनन आज। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रोनन का कल बर्थडे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो हो गई सबके साथ सेलिब्रेशन, बट जो हम घर के जो चार लोग हैं वो जो अपनी हर महीने हम सेलिब्रेशन करते रहे और करते आए हैं फर्स्ट मंथ से, फर्स्ट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ, तो ऐसे हर महीने रोनन की केक कटिंग वगैरह करते थे बर्थडे वाले दिन, तो हमने सोचा वो अब भी क्यों ना करी जाए, बट अब थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं उसको, पूरा बलून्स एंड ऑल एंड प्रॉपर थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आज बर्थडे ईव है रोनन की और हम रात को केक काटेंगे। तो ये देखो जी, ये देखो, और सब लगे हुए बलून्स वगैरह फुलाने में, यहाँ पर हम हैप्पी बर्थडे का वो लगाएंगे और ये बलून्स देखो फैल, और इसको बलून चाहिए, दादी जी से कोशिश करती हुई, दादी रहने दो और कोई ये देख दा, ओ दादी का बलून देखो, रोनन ने एक मिनट में दादी का बलून पुश कर दिया। चलो नो नो कर दो, नो पापा को नो कर दो। तो ये बलून्स के साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है बलून्स। ओके बलून्स को ही सिंग बलून्स, बेटा उनके ऊपर चढ़ नहीं सकते, अभी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उई फट गया ना पता लग जाएगा। ये हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं हम रोनन देख ले, जब तू व्लॉग देखेगा ना बड़ा होके तो देखियो मम्मा पापा क्या क्या करते थे, हैं खुश होगा रोनन देख के कि मेरे मम्मा पापा क्या क्या करते रहते थे मेरे लिए। लग चुका है हमारा हैप्पी बर्थडे, अब बस केक लाके केक कट करेंगे। हाँ जी दादी तैयार हो, चलो जी लेट्स गो। और देखो बलून्स वगैरह सारे यहाँ पर हमारे घर में आज बलून ही बलून है चारों तरफ, है ना रोनन। अरे क्या हो रहा है दादी, ये क्या कर रहे हो, फेशियल करा रही हूँ मैं, 5-step फेशियल एट होम। ओके रोनन के बर्थडे की तैयारी जोरों शोरों पे है गाइस, देख सकते हो आप हमारी दादी जी भी फेशियल कर रही हैं, हमारी बीवी जी भी फेशियल कर रही हैं और हम भी फेशियल कर रहे हैं। मैंने क्लिंजिंग लगा ली, क्लिंजिंग मिल्क कहते हैं इसको, क्या कहते हैं क्लिंजिंग मिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखो क्लेंजर। इन दोनों का सेकंड स्टेप हो चुका है, मेरा अभी होना है सेकंड स्टेप, मैंने अभी फर्स्ट स्टेप भी किया है बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रोनन को भी ध्यान दे रहा हूँ। दादी जी फिर कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है, बस आपका स्क्रब चल रहा है अभी, अब धो लो बस हो गया। आपकी नेल पेंट नहीं दिखाई आपने जो हमने नेल पेंट करवाई थी, चलो अभी हाथ धो के दिखाएंगे। यार सही है वैसे, सेकंड उससे ही फर्क पड़ गया। और ये हमारा हीरो भी रेडी हो गया है, चले रोनन केक कटिंग करें, चलो लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी गुड, से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेरा फास्ट है इसलिए गाइस मैं नहीं खा रही हूं, मैं और मैं इंटरमिटेंट पे फास्टिंग पे हूं, तो इसलिए मैं भी हम सुबह खाएंगे, सुबह तो हम जरूर खाएंगे। और रोनन के लिए कल हमने स्पेशल केक बनवाया, रोनन को वो खिलाएंगे। ओके रोनन कल आपका केक बना है स्पेशल, ओके बाय। फिंगर नाइट प्लीज, ये ले क्यूटी, चलो हैप्पी बर्थडे, वी लव यू रोनन,
हैप्पी बर्थडे We hope that you liked our vlog. Please don't forget to like, share and subscribe. And yes guys, stay tuned for the Ronan's birthday vlog. वो जल्दी ही आएगा इस vlog के बाद. So, see you in the next vlog. Bye.